डॉक्टर, ये संध्या का दूसरा फिजिकल टेस्ट है। इसमें करीबन 150 किलो वजन है, जो संध्या के लिए बहुत ज्यादा है। इससे उसके पेट पर बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा, जो बहुत रिस्की है। आपके हिसाब से कितना रिस्क है? 50-50 सर। इसका मतलब देश के लिए संध्या जैसे काबिल ऑफिसर पाने के 50% चांसेस हैं। सौदा बुरा नहीं है सर। डॉक्टर, हम ये रिस्क उठाएंगे, लेकिन जो कुछ भी करेंगे आपकी निगरानी में करेंगे और पूरी सावधानी बरतेंगे। अगर आप कहीं भी लग रहा है कि ये टास्क संध्या के लिए खतरनाक बन रहा है, आप उसे वहीं रुकवा दीजिए। हम आपके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, हालांकि मुझे लगता नहीं कि ऐसी नौबत आएगी। हेलो मैडम जी, चंद्रराज आपके प्लॉट पर गया था, तोड़फोड़ की और वेदांश का बैनर उखाड़ दिया। हम उसे पकड़ने गए तो भाग गया। फौरन चंद्र के नाम का अरेस्ट वारंट निकलवाओ। मेरे प्लॉट पर जबरदस्ती घुस के तोड़फोड़ करने, धमकी देने के चार्ज पर। जी मैडम। जल्दी करो। संध्या, ये तुमने बहुत अच्छा किया। सूरज जी के आने तक चंद्र अंदर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये तो कुछ ना कुछ करके तुम्हें परेशान करता रहेगा। वैसे भी टूर्नामेंट को लेकर तुम आजकल बहुत बिजी हो ना? हाँ जाकिर, इससे पहले कि उसकी हिम्मत और बढ़ जाए और वो फिर कुछ बड़ा करे, उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी निकलती हूँ, आज उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालकर ही आऊंगी। बहुत हो गया भावो। हाँ? मैं चलती हूँ। हाँ बीरन, संभाल कर जाए। जाकिर जी, जाकिर जी, संध्या बीरन कही आज उसकी दूसरी परीक्षा है ना, आज भी हमारी बीरनी ने बहुत तकलीफ होगी ना। बाबू, संध्या मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसे तकलीफ देने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसके मन की तकलीफ को दूर करने के लिए कर रहा हूँ। जाकिर जी, मारे को आप पर पूरा भरोसा है। चलता हूं ठाकुर जी, हमारी बीनी की रक्षा करना। डॉक्टर, इसके थ्रू हम संध्या का पूरा टास्क देख पाएंगे। संध्या मैडम ने बड़े बाजार की यहाँ जो बिल्डिंग बन रही है वहां फॉरेन टीम को बुलाया है। हेलो, आप में से कोई भी संध्या मैडम की मदद नहीं करेंगे। लेकिन सर, मैडम जी को क्या जवाब देंगे हम? उनका ऑर्डर नहीं बजाएंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे वो। एक दिन अगर मैडम की डांट खाएंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। कोई कोई बहाना दे दो, जैसे वायरलेस की बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए ऑर्डर सुनाई नहीं दिए। ओके, बाकी का मैं संभाल लूंगा। फिर आप फंसी गई हमारे जाल में मैडम जी। अब चाहे जितना फड़फड़ा लो, अब यहां से आप उड़ने वाली नहीं।
सुनो, मेरे शहर छोड़कर जाने तक मैडम जी का ध्यान रखना। तो आखिर मैडम जी हमारे जाल में फंसी गई। फोर्स क्यों नहीं पहुंची? मैसेज तो दिया था सबको वायरलेस पे। सर, जिस तरह से संध्या को अभी बांधा गया, लाख कोशिशों के बाद भी वो अपनी रस्सियां नहीं खोल पाएगी। ऐसे में उसके पास बस एक ही रास्ता है, 100 किलो का वजन उसे उठाना ही होगा और उसे साथ लेकर वहां तक पहुंचना होगा जहां पर चाबी गिरी है और अपने हथकड़ी की चाबी निकालनी होगी। कर सकती हो संध्या। इस टास्क को यहीं रोक दीजिए, उसके पेट पे जोर पड़ रहा है, वो मर जाएगी। ओके डॉक्टर, मैं रोक रहा हूं। हेलो प्रताप, इस टास्क
Professor Zakir, she has done it. And you were right. Zakir! Sandhya, are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ जाकिर, लेकिन चंदर हमारे हाथ से निकल गया। मैंने अपनी टीम को ऑर्डर दिया था लोकेशन बताकर वहां तुरंत पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन इंस्पेक्टर कोली ने बड़ी लापरवाही से कह दिया कि उनके वायरलेस की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। जानता हूँ संध्या, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसी लापरवाही तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यू डोंट वरी, मैंने कोली को डांट लगाई है, इनफैक्ट उस पर तो मैं ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करवाऊंगा। नहीं नहीं जाकिर, कोली तो सीधा साधा आदमी है। मुझे शक है कि चंदर के पीछे हमारे डिपार्टमेंट में किसी ऊंचे लेवल के अधिकारी का हाथ है, वरना तुम्हें सोचना इसे कैसे कोई बच के निकल सकता है। नाकाबंदी के बाद भी इस तरह से ना पकड़े जाना आज तक नहीं हुआ है। I know. मैंने अपनी टीम को उसके पीछे लगा दिया। मैं तुमसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि हमें ध्यान देना होगा और जल्द से जल्द उस ऊंचे अधिकारी का पता लगाना होगा। किसी भी हाल में कौन है वो जो एक अपराधी की मदद कर। संध्या बीनी, रे तुम ठीक है? जे चोट कहीं लगी? कुछ नहीं हुआ है भाभू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुलिस की नौकरी में तो ऐसे छोटी मोटी चोटें आती ही रहती है ना, आप परेशान मत होइए। जब से जाकिर जी घर आए हैं ना, ना खुद आराम करे हैं, ना इन्हें आराम करने दे। देख थारी हालत में, वो देख कया चेहरे उतरस है, कया मुंह लटक गयो है। जा, जाकर कमरे में आराम कर। जी बाबू, गुड नाइट जाकिर। गुड नाइट। संध्या बीनी से कुछ भी छुपाना ना इतना आसान ना है। आज नहीं तो कल, वो एक ना एक दिन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।